जब चंबा जैसा एस्पिरेशनल जिला चलना शुरू करता है। व्यवस्था परिवर्तन तो उस दिन मानता जिस दिन आपको इस माननीय हाउस में नहीं बैठा करके अपनी कैबिनेट में लेते और कहते कि चंबा के निर्णय जो है वो आपके माध्यम से होने। प्लीज अगेन 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 आई विल रिक्वेस्ट यू, आई एम वेरी हैप्पी ऑन दिस चेयर एंड दिस चेयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर चेयर फॉर योर रिप्रेजेंटेशन एंड डोंट कॉज एनी काइंड ऑफ प्लीज प्लीज डोंट कॉज एनी एस्पर्शन डोंट कॉज एनी एस्पर्शन टू द चेयर प्लीज ये बीच में ना कहे दिस शुड नॉट बी टेकन ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बीच में ना कहे बीच में ना कहे एक एक मिनट बीच में ना कहे डॉक्टर हंसराज जी हंसराज जी और मेरा ये निवेदन है वाइल्ड डिबेटिंग यू शुड नॉट ब्रिंग दिस चेयर इनटू द पिक्चर प्लीज वाइल्ड डिबेटिंग प्लीज आई हैव टेकन ए सीरियस नोट ऑफ सर ऐसा है आप चंबा को भली भांति जानते हैं मैं पूरे हिमाचल पे जाऊंगा ही नहीं मेरे को जाना ये बाकी लोग हैं बोलने वाले ये बुझाएंगे चंबा में सर बिजली के जो है वो दो ही डिवीजन हुआ करते हैं आपको पता ही है सर एक तरफ है तीसा जो चंबा से 100 किलोमीटर दूर है दूसरी तरफ 75 किलोमीटर जो है वो बरमौर है और चंबा का डिवीजन जो है वो जो बिजली बोर्ड का डिवीजन खोला था माननीय जयराम ठाकुर जी ने उस टाइम एक डिवीजन जो है वो दो कंस्टिट्यूएंसी तीन को फीड करता है चंबा बरमौर और तीसा अब अन्याय देखिए सर इस बार हैवी स्नोफॉल हुआ चंबा में यहां तो हुआ नहीं क्योंकि यहां तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुख आश्रय खोल दिए अब दिक्कत क्या हुई है गड़बड़ी क्या हुई है जैसे हमारे शिवधाम का पैसा यहां से उठाया और ये भी नदौन ले गए ये भी भाषण देते थे कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी वहां सिराज ले गए लेकिन आप में मैं आप में वो चीज देखना चाहता था सर जो एक आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते थे मेरा आपसे निवेदन है आप इस दुख को समझिए एक जिसने मीटर लगवाना है वो व्यक्ति क्या 100 किलोमीटर जो है वो चंबा आएगा सर या बरमौर ढूंढेगा एक्सिन को एक व्यक्ति जो है वो जो सर्विस वायर बदलना चाहता है अभी हमारी चार ट्रांसफॉर्मरें जो है वो एक महीने से नहीं चल रही मैं कोट कर रहा हूं यहां पर ये मुलाजिम अगर बैठे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वो आज अभी जानकारी अगर गलत हुई तो मैं रिजाइन कर दूंगा आयल की हमारी पंचायत है आज पूरे के पूरे दो हफ्ते हो गए सर ट्रांसफॉर्मर ही नहीं मिल रही हमारी डौरी की पंचायत है वहां पर भी ट्रांसफॉर्मर नहीं मिल रही है और अगर किसी को कहा जाए कि चार खंभे वो आपने बदलने थे लकड़ी के वो व्यवस्था करनी पड़ी है हमें और इस बार जब हैवी स्नोफॉल हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं सर पिछले 11 सालों से मैं विधायक हूं माननीय चुराह की जनता की दया दृष्टि से अब 11 साल से हूं मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि हैवी स्नोफॉल होता है मेरा कभी देवी कोठी नहीं बंद होता था दो दो महीने बंद रहा इस बार क्योंकि कहा कि जेसीबी नहीं है पैसा ही नहीं है रेस्टोरेशन में पैसा नहीं और बैकवर्ड एरिया में आती हैं 54 पंचायतें मेरी लेकिन उसका भी पैसा नहीं विधायक निधि वैसे बंद कर दी गई और अब हम लोग जाएं तो कहां जाएं सर तड़पना तो यह है कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं अपने डिवीजन की बात कर रहा हूं उसके साथ उसको हमने जस्टिफाई किया था एक सब डिवीजन नकरोड में दे करके तीसा में हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन दिया था कॉलेज हमने मसरूंड में खोला था एक पीएससी हमने कोहाल में खोली जनाब एक तरफ मसरूंड है जो चंबा से 25 किलोमीटर की दूरी पे है दूसरी तरफ दूसरी पीएससी जो है वो 20 किलोमीटर पे आती है कोहाल में सेंटर में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ने हम पे आशीर्वाद दिया और कोहाल में हमने पीएससी खोली डी नोटिफाई कर दी उसके बाद जो है एक हमने बैरागढ़ में खोली जहां बैरागढ़ से तीसा जो है जहां सीएचसी है वो पूरे 28 किलोमीटर है वहां पर खोल दी तो कोई गुनाह कर दिया उसको भी बंद कर दिया आप बंद करें कोई दिक्कत नहीं है आप चीफ मिनिस्टर हैं पर सदा के लिए थोड़ी ना कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है इसीलिए मेरा यह सर आग्रह है निवेदन है कि जिस तरह से हम पैसे का रोना रो रहे हैं पैसे का रोना रोए कोई दिक्कत नहीं है किसने कहा था कि साथ साथ सीपीएस हम बना दें तब तो हमें मैनेजमेंट करनी है तब तो अपनी सरकार को टिकाऊ तरीके से रखना है सर मैं कंक्लूड ही कर रहा हूं सर लोग 18-18 मिनट बोले मेरा ये आपसे निवेदन है सर ये आग्रह है मैं किसी को आलोचित नहीं कर रहा हूं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं लेकिन जस्टिस तो तब होगा जब आप न्याय करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों के साथ अगर आप भी नदौन देखना शुरू कर देंगे तो लोग जो है वो फिर ये सोचेंगे कि कब चुराह का भी नंबर आएगा और वो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा और चुराह भी निकलेगा आगे क्या ऐसी स्थिति बनेगी मेरा ये आग्रह है मेरा ये निवेदन है सर ऐसा न्याय ना करें और मैं चाहता हूं रिव्यू करें और जिस दिन बजट पेश करें ये उसमें प्रावधान करें जो हमारा बिजली बोर्ड का डिवीजन लिया है जिसमें एक्सीन बैठा था सब डिवीजन खुला था।